दोस्तों अब हम सीखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड के सारे की को पहले हम पहचानेंगे कि सारे कीबोर्ड के सारे की किस प्रकार से यहाँ पे रखे गए हैं, किस ऑर्डर में यहाँ पे होते हैं कीबोर्ड में। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे देखिए ए टॉप, किसे कहते हैं ए टॉप, हमारा जो भी ये टॉप की बटन है ठीक है यहाँ पे, और ये न्यूमेरिक की है 1 2 3 4 जो भी है, 0 से 1 है ठीक है, 9 0 ठीक है। और यहाँ पे ये टॉप रो है, ये टॉप रो होती हैं और क्या होती हैं, ये नीचे वाली बॉटम रो होती हैं। हाथ हटाते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या होती है, बॉटम की होती है, ये होती है टॉप, और जो बीच में हमारी ये जो की दिख रही है इतनी सारी, इसे कहते हैं होम की ठीक है। होम की मतलब घर, होम मतलब घर, तो घर में रह के काम किया जाता है ठीक है। इस प्रकार से घर में जो हमारी उंगलियाँ हैं, यहाँ पे उंगलियाँ रखी, यहाँ देख सकते हैं ये जो उंगलियाँ हमारी, ये उंगली ए पे होती है, ये वाली उंगली एस पे होती है, एंड ए वाली उंगली हमारे डी पे, ए वाली एफ पे, और जो हमारी अंगूठा होता है हमारा, ये वाला अंगूठा, इस उंगली का अंगूठा हमारा खाली होता है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इस वाली उंगली का, इस वाले हाथ का क्या होता है, कैसे यूज होता है, ये जो काली उंगली होती है हमारी सबसे छोटी वाली उंगली, ये होती है डॉट पे ठीक है, सेमी कॉलन पे, और ये होती है यल पे, और ये वाला होता है के पे, ये होता है हमेशा जे पे ठीक है। एंड और इसका यूज होता है हमेशा स्पेस बार को पुश करने के लिए ठीक है। अब हम किस प्रकार से काम करते हैं, यह इसे होम पे रख के सारे बटनों को हम टच करते हैं। किस प्रकार से टच करते हैं, इसका यूज, इसका यूज यू के लिए होता है ठीक है, और ये जो हमारे के का यूज आई के लिए होता है, और यल का यूज ओ के लिए होता है, और जो हमारे छोटी उंगली है इसका यूज पी को टच करने के लिए होता है ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये वाली उंगली इसका यूज आर के लिए होता है, और इसका यूज ई के लिए होता है, एंड इसका इस वाली उंगली का यूज डब्ल्यू का, और छोटी वाली उंगली है इसको क्यू को प्रेस करने के लिए होता है। और नीचे की साइड में बताना चाहूँ तो नीचे की साइड में किस प्रकार से प्रेस करते हैं, इसका यूज हम करते हैं वी के लिए, एंड इसका यूज करते हैं सी के लिए, एंड इसका यस का ये इसका यूज करते हैं एक्स, और जो ए पे है छोटी उंगली इसे करते हैं जेड को प्रेस करने के लिए ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यूज होता है। और इस वाले अगर हम राइट हैंड की बात करें तो यह इसका यूज होता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो भी देने के लिए, और यल का यूज होता है जो इंक्रीज करने बंद करने के लिए, एंड यह है ओपन ब्रैकेट, यह है क्लोज ब्रैकेट, और जो जो जे पे हमारी होती है उंगली वह एम को प्रेस करने के लिए होता है, और इसी से हम यन को भी प्रेस करते हैं, यम को भी प्रेस करते हैं ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हम बता सकते हैं ये ऊपर वाला फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ देख सकते हैं ये सब फंक्शन की है ठीक है, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F9 तक F12 तक है, ये सारी फंक्शन की है हमारी, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे ये सब फंक्शन की है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ डिलीट का ऑप्शन होता है, ये डिलीट का ऑप्शन होता है, या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप ठीक है, प्रिंट स्क्रिप्ट पे इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या बैक स्पेस है इससे टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट है मतलब किसी चीज़ को इंसर्ट करना चाहो उस स्थान पे इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंटर है मतलब किसी चीज़ को आप इंटर कर सको ठीक है। कुछ आप टेक्स्ट को टाइप कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करो तो यहाँ पे इंटर करोगे तो पेज अप एंड डाउन होता रहेगा ठीक है। और यह शिफ्ट के से मतलब ये काफ़ी फंक्शन की होती है, कई चीज़ें अगर शिफ्ट को प्रेस करके बहुत सारी यहाँ पे होते हैं शॉर्टकट्स, ये सब हम आपको बताएंगे अगर वीडियो में बने रहते हैं ठीक है। यहाँ तक एंड बटन है, कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो एंड पे आपको एंड पे जाना है तो शिफ्ट प्लस करोगे एंड पे चले जाओगे ठीक है। यहाँ पे बहुत कंट्रोल है, कंट्रोल से बहुत सारे फंक्शन का यूज होता है, अल्ट से भी बहुत सारे स्पेस बार मतलब उसको पुश किया जाता है कि हमें यहाँ पे गैप ऊपर जो यहाँ पे होता है गैप देने के लिए स्पेस बार को यहाँ पे पुश किया जा रहा है ठीक है। देख सकते हैं यहाँ विंडो की, विंडो की से यहाँ पे होम बटन पे हम लोग आ जाते हैं, विंडो के जैसे प्रेस करोगे ये सब होम बटन आ जाएगी, यहाँ से चले जाते हैं ठीक है। यहाँ फंक्शन की होती है ठीक है, फंक्शन की प्रेस करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ देख सकते हैं, और ये कैप्स लॉक होता है जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें कैपिटल में आपका कैपिटल में लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए कैपिटल जैसे हम इसको बंद करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी इस्तेमाल में हो गई हैं देख सकते हैं। तो ऐसे प्रकार से इसका यूज किया जाता है। यह देखिए इसमें होता है दो बटनें होती हैं, राइट आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइट, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ आप देख सकते हैं इसका यूज करोगे राइट बटन है, यहाँ पे आपका जो भी बुलेट नंबरिंग सारी चीज़ें आ जाती हैं, और यहाँ पे लेफ्ट और इसी पे क्लिक करके ले ज़्यादा करके लेफ्ट का यूज होता है, यहाँ पे राइट पुश हो जाता है ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में हमने आपको बता दिया, बेसिक सारी चीज़ें बता दी आपको किस प्रकार से चीज़ें हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें जिससे दोस्तों को पता चले इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो, इस प्रकार की वीडियो अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।